हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाए। आज हम कक्षा दसवीं का जो सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है, राज्य सरकार, तो देखिए कल हमने विधानसभा का जो गठन पढ़ा था अनुच्छेद 168, जिसमें हमने सदस्य संख्या अधिकतम 500, न्यूनतम 60, कार्यकाल इसमें 5 वर्ष, योग्यता इसमें आयु 25 वर्ष, इसके अलावा पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इसके अलावा गण मंत्री जो 1/10 सदस्य, ये हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों आपके जो ये पाठ है वो 8 अंक का है, इसलिए एक प्रश्न गठन से संबंधित भी आ सकता है। तो हम व्यवस्थित विधान परिषद के गठन को समझेंगे। तो दोस्तों आपको पता है, हमने बात की थी कि विधान परिषद में वो भारत के सभी राज्यों में अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि विधान परिषद का जो अस्तित्व है वह संसद के होता है। तो देखिए जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, यहाँ विधान परिषद का अंत करना है, तो विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति का अर्थ गठन भी कह सकते हैं, समाप्ति अंत के लिए संसद से स्पर्श करने का अधिकार विधानसभा को। तो देखिए जैसे विधान परिषद का गठन करना है, तो विधानसभा से उपस्थिति जो मतदान है उस उपस्थिति मतदान से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है और इसी प्रस्ताव को संसद में भेजा जाता है। फिर संसद विधान परिषद के गठन का निर्माण करती है, कानून को बनाती है। तो ये प्रावधान है, तो हम कह सकते हैं विधान परिषद का जो अंत व समाप्त करने का अधिकार संसद के साथ साथ विधानसभा को भी है। सबसे पहले बात करते हैं सदस्य संख्या। तो देखिए सदस्य संख्या की बात करते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य संख्याओं का जो गठन किया गया है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो बताई गई है विधानसभा की 1/3 भाग। जिससे माना की बात करते हैं कि किसी राज्य में, जिस राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। अब यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना है तो 1/3 भाग। अधिकतम कितने 67 सदस्य हो सकते, अधिकतम 67 सदस्य हो सकते, ये प्रावधान। न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम
40 सेल्सियस है, न्यूनतम वेगों 40 सेल्सियस। इसी माना कि विधानसभा की सीटें कम है तो वहां न्यूनतम कितनी होगी 40। जैसे माना की बात करते हैं कई राज्य में हमने विधानसभा की न्यूनतम सीटें कितनी बनी थी 60, 60 का एक या एक भाग 20 होता है। लेकिन यहाँ प्रावधान क्या किया गया है कि न्यूनतम 40 सदस्य होंगे, तो भले ही विधानसभा की सीटें 60 हो लेकिन यदि वहां विधान परिषद का गठन करेंगे तो वहां न्यूनतम सीट 40 होगी। ये प्रावधान है। इसके अलावा अगला टॉपिक विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। तो दोस्तों आपको पता है विधान परिषद की पांच बटा छह सदस्य निर्वाचित व एक बटा शेष सदस्य मनोनीत होते, ये प्रावधान यानी विधानसभा के उन सदस्यों का पांच बटा शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं, एक बटा शेष सदस्य मनोनीत होते हैं। माना की बात करते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 है, तो 60 सदस्य संख्या में से 5 बटा 6 सदस्य निर्वाचित होंगे, यानी 50 सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होंगे और एक बटा शेष सदस्य यानी 10 सदस्य हैं जो मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा। जिस प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद के कुल सदस्य संख्याओं का एक बटा से भाग मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को है। तो देखिए विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, यानी हम कह सकते हैं जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। तो देखिए कौन कौन से जनता के प्रतिनिधि हैं जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचन मंडल। तो देखिए स्थानीय संस्था आप सुना होगा नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है या स्थानीय निकाय है ये निकाय मिलकर के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो ये याद रखना है ये कितने विधानसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का एक एक सदस्य है। एक यही सदस्य है जो स्थानीय संस्थाओं का जो निर्वाचन मंडल होता है, जैसे नगर पालिका है, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर परिषद है, ये सदस्य एक बटा 3 सदस्य है वो निर्वाचित करते हैं। जैसे माना कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 60 है तो एक सदस्य
स्थानीय निकाय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार जो विधानसभा का निर्वाचन मंडल है वो भी एक यही सदस्य, एक यही सदस्य। तो देखिए एक यही सदस्य यानी 20 सदस्य हैं विधानसभा के सदस्य मिलकर के इनका चुनाव करते हैं। लेकिन ये भी याद करना है कि इसके अंदर जो राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता है वो भी इसके चुनाव में भाग लेगा। अगला आपके आता है स्नातकों का निर्वाचन मंडल। तो देखिए दोस्तों जो व्यक्ति स्नातक जिन्होंने बीए कर करिए वो व्यक्ति 1/12 सदस्य विधान परिषद के सदस्यों में भाग ले सकता है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कम से कम 3 वर्ष पूर्व जो भी व्यक्ति जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व बीए कर ली है वह निर्वाचन मंडल 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार अध्यापकों का निर्वाचन मंडल वहां भी 1/12 सदस्य। तो देखिए जो सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक उच्च माध्यमिक या फिर कह सकते 10वीं व 12वीं कक्षाओं में अध्यापन करने वाले शिक्षक जो हम कह सकते सेकेंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड शिक्षक जो कम से कम 3 वर्ष पहले उनकी नियुक्ति हो या 3 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव वह निर्वाचन मंडल 1/12 सदस्यों का चुनाव करते। अब आता है राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते। तो यहाँ बात करते हैं 1/12 सदस्य माना कि 60 विधान परिषदों की संख्या है तो 1/12 × 60 = 5 सदस्य का चुनाव है। वो स्नातक जिन्होंने बीए कर रखी है वो स्टूडेंट है इन करके 5 सदस्यों का चुनाव करेंगे। वही अध्यापक है जिन्होंने 10वीं 12वीं में पढ़ा रहे हैं या अनुभव कार्य है 3 वर्ष पहले का जो अनुभव है ऐसे अध्यापकों का निर्वाचन मंडल है वो 5 सदस्य निर्वाचित करेंगे विधान परिषद में। वो 1/6 सदस्य हैं जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कला विज्ञान साहित्य खेलकूद या अन्य गतिविधियों में विशेष उपलब्धि रखता हो वो व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत करता है। दोस्तों या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपन अगली पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता, तो देखिए विधानसभा के सदस्यों की योग्यता की वो एजुकेटेड योग्यता है केवल आयु संबंधित ही अंतर पाया जाता। हमने पढ़ा था विधानसभा में आयु सदस्य की 25 वर्ष थी, विधान परिषद के सदस्यों की जो आयु है वो 30 वर्ष। देखिए वह भारत का नागरिक हो
वह 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी की लाभ के पद पर न हो, न्यायालय द्वारा पागल यहां दिवालिया घोषित न किया हो, वह व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा इनकी योग्यता यह भी है कि वह जिस राज्य में विधान परिषद का सदस्य बनने जा रहा है उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। ये अलग से इनकी योग्यता है। इसके अलावा विधान परिषद के जो कार्यकाल की बात करते हैं तो देखिए जिस प्रकार संघ सरकार ने राज्यसभा जिसको हम स्थायी सदन कहते हैं, स्थायी सदन का तात्पर्य है कि इस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, यहां तक राज्यपाल भी विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। तो ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है, जो प्रति 2 वर्ष बाद होते हैं। फिर एक ही सदस्य उन्हें नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। इस प्रकार की ये जो विधान परिषद है वो एक बार में भंग नहीं होती है, बारी बारी से इनकी एक ही सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए इसको स्थायी सदन का गया। अब आता है पदाधिकारी सभापति व उपसभापति। तो देखिए विधान परिषद के सदस्य विधान परिषद के सदस्यों में से ही एक को सभापति व एक को उपसभापति चुना जाता है, यानी विधान परिषद के सदस्यों में से ही एक को सभापति व एक को उपसभापति बनाया जाता है। अब ये क्या कर्तव्य इसको कहते हैं,
उपसभापति को सौंपते हैं। उपसभापति अपना ज्ञान पत्र सभापति। इसके अलावा हम बात करते हैं तो गणमूर्तियां, देखिए बैठक की न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए जिससे बैठक को सफल माना जाए, तो आप न्यूनतम कोरम ये कह सकते हैं 1/10 सदस्य। विधान परिषद के 1/10 सदस्य उपस्थित होने पर ही बैठक को सफल माना जाएगा और उस बैठक में कार्यवाही की जा सकती। और भी यदि आपको बैठक में पॉइंट लेने हैं तो आप बना सकते हैं अधिवेशन। दोस्तों आप बता दें विधान परिषद और विधानसभा का जो अधिवेशन है वो 3 सत्र में आयोजित होता है, बजट सत्र, मानसूनकालीन सत्र व शीतकालीन सत्र। तो ये था आपकी विधान परिषद का गठन। कल हम पढ़ेंगे विधानसभा अध्यक्ष।